हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम आनंद राव एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल विश्लेषण। आर्टिकल विश्लेषण में अब बेसिकली तीन चीज़ों में हम फोकस करेंगे कि आर्टिकल किसके लिए है, कौन से एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा, साथ साथ में ये कौन कौन से टॉपिक से इंटरलेटेड है। बेसिकली आज की जो करंट न्यूज़ है, करंट न्यूज़ों के हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हम आज का देखेंगे कि आखिर हमारे जो इंडिया में या वर्ल्ड में जो रोजगार है वो क्यों कम हो रहे हैं, उन सभी फैक्टर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपको निबंध के लिए एज वेल एज आप इस आर्टिकल को जो हमारा अर्थव्यवस्था का रोजगार रिलेटेड टॉपिक है उससे आप इंटरलेट कर सकते हैं, साथ साथ में मेंस राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम रोजगार के एक्चुअली कम क्यों हो रहे हैं, सबसे फर्स्ट में अगर इसके बारे में हम देखें तो जो रोजगार में कम होने का मेन कारण है ऑटोमाइजेशन। अगर आज हमारी इंडस्ट्रीज एज वेल एज हमारा जो भी कार्य है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मशीनों के थ्रू हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मैन पावर है तो वो कंटिन्यूसली कम हो रही है। जिस कार्य के लिए दो लोगों की तीन लोगों की आवश्यकता थी, आज वो कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो इसके कारण हमारे रोजगारों की कमी आ रही है। साथ इसी कारण ऑटोमेटिक मशीनों की भेंट हमारे रोजगार चढ़ते जा रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन अभी तक जो था। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा रोजगार के जो खतरे आ रहे हैं सिर्फ इसी कारण आ रहा है मेन, अभी तक रिसेंटली जो रोजगार के खतरे आ रहे हैं इसके कारण आ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर अभी हम ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं जो जिसको बोला जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू हमारे जो बौद्धिक काम भी थे वो भी अब कंप्यूटरों के थ्रू किए जा सकते हैं, जिसके कारण और रोजगार में कमी आने की संभावना है। लेकिन इससे इसके साथ ये तो फैक्टर हो गए जिसके कारण हमारे रोजगार नष्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें तो रोजगारों की उत्पत्ति हुई है। अगर आज हमारे कंप्यूटरों में आधुनिकीकरण हुआ है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चिप्स हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब आज अगर देखा जाए तो गुणवत्ता वाला काम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो इनकी कुछ रोजगारों की उत्पत्ति हुई है। अभी राइट नाउ हमारे इंडिया के पास दो बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे फर्स्ट, जो ऑटोमाइजेशन के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारे रोजगार जो नष्ट हुए हैं। सेकेंड थिंग इज दैट जो हमारी न्यू पीढ़ी है उसमें वो ऑलरेडी अभी बेरोजगार बैठी हुई है, तो जो नष्ट हुए उसके उनको रोजगार प्रदान करना, साथ साथ में जो ऑलरेडी अभी न्यू पीढ़ी है उनको रोजगार प्रदान करना, ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है हमारे भारत के पास। लेकिन अब इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इससे कैसे हम ओवरकम हो सकते हैं, हम इससे कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको इससे निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम दो स्तरों में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो राइट ना जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली समझ के, अभी से हम उस टेक्नोलॉजी को समझ के हम अपने कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ अपने रोजगारों के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इससे आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, ये एक रीजन होगा। सेकेंड रीजन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है और जो आगे फ्यूचर में आने वाली है उसके हिसाब से हमारे युवाओं को ट्रेंड करना। तो सबसे फर्स्ट में हम फर्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी राइट नाउ टेक्नोलॉजी है उसे कैसे समझ के उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि एक टैक्सी ड्राइवर क्या होता है कि अगर आज GPS सिस्टम चल रहा है, GPS सिस्टम के थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो GPS सिस्टम के थ्रू वी कैन फाइंड इजली कि कौन से रोड में ट्रैफिक है, कौन से रोड में ट्रैफिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इजली फाइंड कि कौन सा रूट तुम्हारे लिए सफिशेंट होगा, कौन सा रूट आपके लिए एफिशेंट होगा, आप उस रूट में किस मिनिमम टाइम पे पहुंच सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा, यात्री का टाइम बचेगा, एज वेल एज यू कैन फाइंड मोर एंड मोर कस्टमर। सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब इसको कैसे हम बताएं, तो हम देखेंगे कि जो हमारे सरकार है इससे डिसीजंस कौन से लिए जाएं। इससे जो डिसीजंस मेन डिसीजंस है वो है कि सरकार को कंप्यूटर एज वेल एज इंग्लिश को हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो अभी जो हमारा यूथ है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो उसके लिए तैयार हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जो बौद्धिक कार्य, मतलब जो हमारे दिमाग से रिलेटेड जो भी कार्य थे वो कार्य भी कंप्यूटर करने लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो बौद्धिक कार्यों की जो वैल्यू थी
राइट नाउ अगर हमें एक बौद्धिक कार्य के लिए हमें 500 रुपये मिलता था, अब वो गिरकर 100 रुपये हो जाएगा. मीन्स वो इजिली अवेलेबल है, सो दैट्स वाई उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. उस वैल्यू को कम होने के कारण क्या होगा कि हमारे बौद्धिक कार्यों में कमी आने लगेगी, साथ साथ में बौद्धिक कार्यों का विकास भी होने लगेगा. मीन्स जब आपका आपको एजुकेशन एज वेल एज रिसोर्सेस आपको आसानी से प्राप्त होंगे तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे. तो आज का जो अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ से को फाइंड आउट करके उसके हिसाब से हम अपने यूथ को एज वेल एज हमारी आने वाली जनरेशन को उसके हिसाब से ट्रेन करते हैं, सो हमें आगे इसके लिए तैयार होंगे. और अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो मे बी इन फ्यूचर हमें इसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच. हमारे वीडियो देखते रहिए. और आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इस माइंड मैप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आनंद राव कैट.